दोस्तों आपको पता ही है, लास्ट नाइट हमने ल्यूगीज मेंशन 3 का दी एंड किया है सुबह 4 बजे तक, और अभी हम जस्ट उठे हैं और हम वीडियो बना रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट होगी यार ये सुनते ही कि नेक्स्ट जेन कंसोल माइक्रोसॉफ्ट का ट्रेलर आ चुका है। बहुत टाइम से सोच रहे थे गाइस कि हम लोग एक्सबॉक्स स्कारलेट को अगले साल ही देख पाएंगे प्लेस्टेशन 5 के साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2019 में बहुत चीजें उथल पुथल हुई, लेकिन एक्सबॉक्स ने हमें एक सरप्राइज दे दिया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन, नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जल्दी से कर लेते हैं इस ट्रेलर का रिएक्शन और उसके बाद बताते हैं कि हमें पर्सनली ये कंसोल कैसा लगा देखने और इसके में। बारे में जितने भी फैक्ट्स रिवील किए थे क्या वो सच है या गलत है। जी ये ब्लिंक ब्लिंक लाइट कौन सी आ रही है? ये इनके अंदर जो भी इसके इंटरनल फीचर्स होंगे उसके बारे में ये लोग लाइट्स में एक स्पेशल वे में अट्रैक्ट करने के लिए तो प्रेजेंट करेंगे। ये यूनिवर्स का मेरे ख्याल से कुछ हाँ शो हाँ कर रहे हैं ये हाँ लोग। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मुझे भी, यूनिवर्स टाइप से। अच्छा, ये सारी लाइट्स को एक्सबॉक्स अपना डिजाइन जो है वो देने से शायद पहले कुछ इसी तरह से लग रहा है शो मुझे कर रहे देखने हैं। में। और ये स्काई में पूरा राहुल जी फर्स्ट टाइम ये स्काई का नहीं है एक्चुअली, ये अपने कंसोल के लिए भी जो जो मटेरियल यूज कर रहा है उसको अच्छा, ये इफेक्ट्स के साथ एक प्रेजेंट कर रहा एक है। हाँ, एक तरह से इंट्रो है ये। हाँ ये देखो ये वर्ड दिखाया है बिल्कुल हाँ जिसके अंदर पीसफुल वर्ड होता है ये और नेचुरल चीजें ये कंसोल का है। भाई फूल खिले हैं हमारी जिंदगी में, फूल कब खिलेंगे? खिलाओ भाई फूल खिलाओ। यही मैं सोच रहा हूँ कि यार, अरे क्या बात है यार, ये पता। अच्छा गेम्स के बारे में बताया, रेसिंग, हाँ, फीफा, फाइटिंग, और ये शूटिंग, हाँ शूटिंग शूटिंग है ये तो। हाँ शूटिंग गेम हाँ, जल्दी से बोल दो फिर। ये हेलो का कैरेक्टर एक तरह से आप ये कह सकते हो इसे। अरे जो इसका एक्सक्लूसिव है। ये क्या है, ये पूरा हमें हाइट में कुछ। अरे एक्सबॉक्स का कंसोल ये सीपीयू टाइप में कैसे हो गया? हाँ, मैं ये सोच रहा हूं। ओ वाह, ऊपर से देखा डीजे वाला लुक है। एक्सबॉक्स सीरीज एक्स, ओके हम इतने दिन से भ्रमित थे स्कारलेट के लिए, एक्सबॉक्स स्कारलेट के लिए, बट इट्स नेम अरे इज एक्सबॉक्स नोनी सीरीज जी, एक्स। नाम तो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स, यही अपने आप में सरप्राइज वाली बात है। और कंसोल का डिजाइन देखा आपने? मतलब बिल्कुल जी, हम सोच रहे थे कि यार कि इस बार अलग तरह का होगा, ऐसा होगा। आरजीपी होगा, ये होगा, वो होगा, आरजीबी सॉरी, कि मतलब उसके अंदर रेड ग्रीन ब्लू कई एक तरह की लाइट हाँ सी देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर तो हमें बिल्कुल ही उसकी शेप चेंज कर दिया, सीपीयू बना दिया बिल्कुल उसे। सीपीयू टाइप में, ऊपर से उसको थोड़ा सा आप कर्व में लिया हुआ है और डीजे हाँ। टाइप में उसके अंदर आप लेकिन नोनी सेटअप जी, होगा यहाँ पर देखेंगे। एक तरह से मतलब अब तो वो यही है कि स्टैंड ही है, मतलब आप उसे लिटा कर खेल ही नहीं सकते वो और जैसा। रिक्वायरमेंट ही नहीं है उसके हाँ ऊपर, मतलब इजीली उसको रख सकते हैं कहीं भी, भैया, उसको मतलब बेस की जरूरत नहीं है। सच में यार, एक्सबॉक्स मतलब ने अपनी आप दुनिया परिवर्तित कर दी, लेकिन अब दोस्तों ये डिसाइड करेगा एक्सबॉक्स की उसके प्राइस वगैरह के बारे में जो भी डिस्कशन होना है। नॉनी जी, इस पर हम पर्टिकुलर एक वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि अभी गेम अवार्ड चल ही रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। पता तो नहीं कितने दोस्तों बस सरप्राइज हम मिलेंगे। इतने ज्यादा है ना, मतलब क्या कहते हैं कि एक तरह से कह सकते हो कि आप एक्साइटेड थे कि आपके सामने अपनी खुशियां हमें प्रेजेंट करनी थी, वो हमने कर दी इस ट्रेलर के थ्रू। तो प्लीज फटाफट से लाइक करके बताओ यार ये आपको कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि पहले अगर हम कंपेयर करें कि जो सीपीयू हमें ऐसा देखने को मिलता था या गेमिंग कंसोल ऐसा मिलता था, अब सीपीयू की शेप में मिलेगा, क्या वो ज्यादा सही रहेगा हम गेमर्स के लिए या और नहीं? इसके साथ ही गाइस आप ये भी बताइए कि एक्सबॉक्स का ये डिसीजन कि PS5 से पहले उसने अपने कंसोल के बारे में बहुत कुछ रिवील कर दिया, क्या उसके लिए उसको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा या फिर से एक उसे कुछ बार खामियाजा खामियाजा भुगतना भुगत पड़ सकता है। बिल्कुल। तो दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब फिर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एक्सबॉक्स के लिए बहुत कुछ है हमारे पास, देखते रहिए नमोकार गेमिंग वर्ल्ड।